जबलपुर पहुंच रहे हैं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। जी हां, शनिवार को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जबलपुर मंडला के दौरे पर आ रहे हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य भी जबलपुर आ रहे हैं। कुछ इस तरह है उपराष्ट्रपति जी के कार्यक्रमों की सूची। सुबह जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट पर पहुंचे, वहां से हेलीकॉप्टर द्वारा मंडला जिले के रामनगर में आयोजित आदिवासी सम्मेलन में शामिल होंगे। इसके बाद वापस जबलपुर लौटकर शाम 4:30 बजे ITDM में रेवा रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही छात्रों के द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन करने के बाद छात्रों को संबोधित करेंगे। देर शाम को गोल बाजार पहुंचकर राज्यसभा सांसद विवेक तनखा के बेटे वरुण के विवाह के बाद आयोजित रिसेप्शन में शामिल होंगे। फिर रात्रि विश्राम के बाद उपराष्ट्रपति जी 16 फरवरी को जबलपुर से कोलकाता के लिए रवाना हो जाएंगे। प्रोग्राम है, पहले मंडला जाएंगे माननीय, फिर उसके बाद महामहिम का प्रोग्राम IIITDM में है, और उसके बाद राज्यसभा सदस्य श्री विवेक तनखा जी के घर पे रिसेप्शन में, उनके बेटे के रिसेप्शन में जाएंगे। सारी व्यवस्था लगा दी गई, रिहर्सल हमारा चल रहा है, लगभग 1500 का बल आया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी प्रोग्राम है और प्रदेश के सभी कैबिनेट मंत्री इस कार्यक्रम में आएंगे, शरीक होंगे। यातायात के संदर्भ में भी हमने कई जगह डाइवर्जन और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए बल लगाया है। जो हमारे पुराने ट्रैफिक हमले से जुड़े हुए अधिकारी रहे हैं, उनको हमने जून से बुलाकर यहाँ पर कल के लिए डिप्लॉय किया है, और हमारा उद्देश्य यही है कि स्मूथ ट्रैफिक रहे, किसी को समस्या ना रहे और किसी भी तरीके की समस्या जबलपुर के लोगों को ना।